असल के स्टूडेंट्स, CS625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज की सेकंड असाइनमेंट है स्प्रिंग 2024 की, 20 मार्च की असाइनमेंट, 24 जून लास्ट डेट। इसमें जो टॉपिक कवर्ड हैं वो वीक 5 से 8 में से ये असाइनमेंट है। कंसेप्ट इसमें ये हैं कि कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्रैक्टिसेज क्या होती हैं। ठीक है जी, तो एम एस वर्ड में आपने ये अपलोड करनी है या इनलाइन है। हाँ, ये लिखा है असाइनमेंट शुड बी इन डॉक फॉर्मेट, यानी कि एम एस वर्ड में आपने सबमिट करनी है। अच्छा, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन 10 मार्च का है कि आयशा स्टील प्राइवेट लिमिटेड इज़ ए न्यूली इस्टेब्लिश्ड। अच्छा, पहले मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन का बताता हूँ। क्वेश्चन 2, 10 मार्क का, प्रोड्यूसिंग ए गुड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी एंड गुड कमर्शल लॉयर्स आर नॉट चीप। ठीक है जी, कि यानी कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसकी जो कॉस्ट है उसके काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है, जबकि कमर्शल जो लॉयर्स हैं अच्छे वो सस्ते नहीं हैं। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से सॉफ्टवेयर सप्लायर्स ट्राई टू यूज़ व्हाट आर नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए सॉफ्टवेयर सप्लायर जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं, विच आर यूज्ड आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड मैनी टाइम्स ओवर। कीपिंग इन माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हैं, उनका आंसर देने हैं। विच सेक्शन ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली कंटेन्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल, यानी कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के कौन से सेक्शन में होता है। तो ये मैं आपको हैंड आउट से इसके दिखाता हूँ कि हैंड आउट के ये पेज नंबर 34 है के कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर, जिसमें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, पहली है, पहला सेक्शन होता है इंट्रोडक्टरी सेक्शन, दूसरा होता है स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन, तीसरा होता है सेट ऑफ अपेंडिसेस एंड एनेक्सेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वो पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल किस सेक्शन में होगा। अच्छा, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल जो होता है वो इसके ये अपेंडिसेस में होता है, ये सेकंड जो है, सेकंड फॉर्म जो है सेट ऑफ अपेंडिसेस एंड एनेक्सेस, उसका ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एनेक्सेस मस्ट इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट दैट विच स्टेटेड लाइक SRS। अब SRS का आपको पता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, तो यहाँ पे वो उसमें पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल, यानी कि प्रोजेक्ट से जो स्पेसिफिक मटेरियल। अब वो SRS भी हमारी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल ही होता है। ठीक है, तो ये इसका, इस वजह से ये एनेक्सेस तीसरा होगा, एनेक्सेस मस्ट इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट स्टेटेड लाइक SRS। दिस इज प्रोवाइड फॉर एग्जाम्पल द सिचुएशन विच स्टेटमेंट्स मेड बाय एन ओवर एंथुजियस्टिक सेल्समैन वाइल ट्राइंग टू ब्ला ब्ला। अच्छा, ये आप है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, सेट ऑफ अपेंडिसेस एंड एनेक्सेस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। सेकेंड जो है, विच सेक्शन ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। वो पूछ रहा है कौन सा जो सेक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट का होता है वो कंसिस्टेंट रहता है अक्रॉस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि मुख्तलिफ या बहुत सारे प्रोजेक्ट हों उनमें, वो सब में वो एक ही रहता है, सेम रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। तो इसका जो आंसर है ये देख लें आपके, अब ये मैंने लिखा है, मैंने इसका आंसर लिखा है स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। अब ये देखें, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस पहला इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, दूसरा ये एनेक्सेस। स्टैंडर्ड टर्म्स और कंडीशंस जो होती हैं इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो सेम रहता है डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए। इसमें स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारी ये चीज़ें हैं, 13 पॉइंट्स हैं ये, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वारंटी, एक्सेप्टेंस, प्रोग्रेस मीटिंग है, पेमेंट टर्म्स होती हैं, ओनरशिप राइट, डिलीवर, व्हाट इज़ टू प्रोड्यूस, व्हाट इज़ टू डिलीवर्ड। तो ये जो चीज़ें हैं ये तकरीबन सभी डिफरेंट प्रोजेक्ट में सेम रहती हैं, कंसिस्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको चूज़ किया है। तो फर्स्ट का आंसर है सेट ऑफ अपेंडिसेस, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल या SRS जिसे कहते हैं वो उससे रिलेटेड ये चीज़ें इसमें होती हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड या उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती हैं वो है ये चीज़, सेट ऑफ अपेंडिसेस।
और दूसरा जो है डिफरेंट प्रोडक्ट में जो कंसिस्टेंट रहती है वो स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो ये इसका आंसर है सेकंड का। अच्छा फर्स्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। आयशा स्टील प्राइवेट लिमिटेड इज अ न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी एंड इंटेंड्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग विद 50 एम्प्लॉयज़। अच्छा आयशा स्टील जो एक स्टील की कंपनी है वो एक नई कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाह रही है या नए बिजनेस कुछ स्टार्ट करना चाह रही है जिसमें जो कि डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करेगा और 50 उसके एम्प्लॉयज़ होंगे। इक्विपमेंट अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर इंपोर्टेड बाय द कंपनी कंपनी वो जो इक्विपमेंट और दीगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंपोर्ट करेगी। हावर इन ऑर्डर टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की कंपनी हैज़ टू मैनेज द रिक्वायर्ड फंड्स। कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है इस नई जो उनके प्रपोज कंपनी वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए उनको फंड्स की ज़रूरत है। कीपिंग व्यू द साइज़ एंड नेचर ऑफ़ द कंपनी। अब साइज़ और नेचर देख लें, 50 एम्प्लॉयज़ की कंपनी है तो ज़ाहिर बात है छोटी कंपनी है। नेचर उसकी ये कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स है। अब दिस बिजनेस स्टार्टअप यू आर रिक्वायर्ड टू एनलिस्ट एटलीस्ट टू सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर द कंपनी। अच्छा आपने कम से कम दो सोर्सेज ऑफ फंडिंग कंपनी के लिखने हैं। अब मैं आपको हैंडआउट से पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये तीन सोर्सेज ऑफ फंडिंग होते हैं। ग्रांट्स होता है, लोन्स होता है, सेल्स ऑफ इक्विटी होता है। अच्छा ग्रांट्स जो होती हैं ना ये अमूमन गवर्नमेंट्स के इदारों के लिए होती हैं जबकि लोन्स और इक्विटी सेल ऑफ इक्विटी ये प्राइवेट। आप देखें आयशा स्टील जो है ना ये प्राइवेट कंपनी है ठीक है। तो इसके लिए लोन्स और सेल ऑफ इक्विटी ही ऑप्शन इसका बेस्ट है। उन्होंने सिर्फ दो पूछेंगे, दो आपने कोई दो से दो बताने हैं ठीक है, एटलीस्ट टू। तो लोन्स और सेल ऑफ इक्विटी इससे रिलेटेड है तो यही दो लिख दें ठीक है। ग्रांट्स ना लिखें, ग्रांट्स गवर्नमेंट के इदारों में ज़्यादा यूज़ होती है, गवर्नमेंट उसके सेमी गवर्नमेंट में ठीक है। तो ये था सोल्यूशन, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।